करना, कोशिश करूंगा पूरे दौर में कि आज आपको कुछ नया दूं, कुछ ऐसा दूं कि बस मजा आ जाए। दोस्तों, आज हर व्यक्ति अपने आप को एक लीडर्स के रूप में उभारने का प्रयास करना चाहता है। कमेंट बॉक्स में आई एम द बेस्ट की पूरी भीड़ लग जानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि उस तूफानों में भी वो ताकत नहीं होनी चाहिए जो आपके कमेंट बॉक्स में, वो ताकत मुझे आती हुई दिखनी चाहिए आपके रिप्लाई के माध्यम से। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को दी बेस्ट के रूप में काउंट करता है, लेकिन दी बेस्ट वास्तव में वही हो पाते हैं जिसके अंदर नेतृत्व करने का गुण, यानी कि लीडरशिप की जो फितरत है वो कूट कूट करके भरी हुई होती है। एक कथन है किसी बड़े फिलोसफर का कि नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, ना कि हुकूमत करना। बहुत सारे लोग थोड़े गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि भाई हम उंगलियों के इशारे पे कहेंगे और सामने वाला मेरी बात मानेगा। क्यों मानेगा? वास्तव में काम आपको कुछ इस तरीके का कर देना है कि आपने बस सोचा और वो काम सामने वाला कर दे, उंगलियां दिखाने की जरूरत ना पड़े। तब मैं समझूंगा कि ये वास्तव में क्वालिटीज है लीडर्स की। क्या आप मेरी बातों से सहमत है? यस के लिए वाई जरूर लिखिएगा। दोस्तों, नेतृत्व का मतलब ही यह है कि आपको डिक्टेटरशिप नहीं करनी है, आप किसी के ऊपर हावी नहीं होना है, बल्कि प्यार के साथ, दुलार के साथ सिर्फ आप इच्छा प्रकट कीजिए और सामने वाला व्यक्ति कह पड़े कि सर ये काम मैं करके रहूंगा चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यस सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेतृत्व जो व्यक्ति करता है उसके अंदर एहसास कैसी होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा बालक है। वो बालक समझ लीजिए, जूम कीजिए कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है जो इस सिस्टम में पहली बार आया है, लेकिन आपके मीटिंग्स के माध्यम से, आपके सीनियर्स के माध्यम से, कंपनी के सिस्टम के माध्यम से, ट्रेनर्स के माध्यम से, मेंटोर्स के माध्यम से उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया गया कि वह बड़े से बड़े असाइनमेंट को भी लेकर के चल पा रहा है बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानियों के। जी हाँ, कहते हैं ना कि भय आपको समाप्त कर देती है, और भय के भाव सागर को अगर पार कर जाओ तो जीवन में निश्चित रूप से आप नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और अपने मंजिलों को आप जो है पा लेते हो। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है जो अपने आप के अंदर वो दी बेस्ट का भावना पैदा करना चाह रहा है, वो अपने आप को दी फिटेस्ट के रूप में उभारना चाह रहा है, तो उसे क्या करना होता है? उसको सेल्फ के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपने स्पॉन्सर के ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर, अपने एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। और ये ट्रस्ट और ये फेथ ही उसके अंदर वो साहस लाती है, और साहस और क्षमता जब आ जाती है तो दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं। छोटा बच्चा इस बूल के पास जा नहीं सकता, लेकिन देखिए उत्साह और साहस की जो क्षमता है वो उसने क्या करने पे विवश कर दिया, बल्कि ये कहा जाए कि बड़े से असाइनमेंट को लेकर के भी वो चल पा रहा है। प्रतीकात्मक ये चित्र थी। अब चलते हैं दोस्तों, सफलता एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। जी हाँ, सफलता को लोग अंतिम पड़ाव ना समझे, यह तो एक छोटी सी पड़ाव है, एक स्टैंड है, एक छोटी सी स्टेशन जो आपके सफर में आ रही है। ऐसे कईयों सफलताएं आपको पानी है। कईयों सफलताएं का मतलब वास्तव में एन नंबर्स ऑफ अचीवमेंट आपको पानी है। दोस्तों, हर साल आपका सफलता का जो कहते हैं ना स्लैब, जो लेबल्स है वो उच्च ऊंचाइयों पे जाती हुई प्रतीक होनी चाहिए। इस बार आप 30 लाख की मैचिंग कीजिए, वंडरफुल। उसके बाद आप अपर स्लैब की मैचिंग कीजिए, आप 1 करोड़ की मैचिंग कीजिए। यस, मैं चाहता हूं कि इस तरीके से हम अपने माइंडसेट को डेवलप कर लें ताकि आप हमेशा क्या करें, अपनी जो टारगेट्स हैं उसको ऊंचाइयों पे लेकर के चलते रहें। सक्सेस वर्सेस फेलियर, लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि सक्सेस एकदम से मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए आपको फेलियर को चुनौती देना पड़ता है। यस, सक्सेस यानी सफलता पाने के लिए, दी बेस्ट बनने के लिए, दी फिटेस्ट बनने के लिए आपको फेलियर को चैलेंज करना पड़ता है। और ये चैलेंज अगर करने की हम सबों की फितरत है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फेलियर्स जो होते हैं ना, ये एक किस्म के संक्रमण जैसी होती हैं। फेलियर्स जो होते हैं एक किस्म के इन्फेक्शन जैसी होती हैं, लेकिन इन अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, यानी कि आपका अगर विल पावर मजबूत है, तो यह संक्रमण आपके शरीर में लंबे समय तक नहीं रहती हैं और बहुत सारी दवाइयां नहीं खानी पड़ती हैं। दवाइयों का मतलब है तकलीफ से,
बहुत सारी दवाइयों का और तकलीफों का सेवन नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी विल पावर, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो, और आप निश्चित तौर पे द फिटेस्ट बन जाते हैं इस सफर में। जो चीज आपको हेल्प करती है, जो चीज आपको पीछे से पावर देती है, उस पावर में एक रोल हमारे संस्कार का भी होता है। यह संस्कार काफी पीछे से आती है, लेकिन संस्कार के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि वर्तमान के मुताबिक हम उसमें कुछ संशोधन करें ताकि हम उसको बेहतरीन तरीके से आगे लेकर के चलें और जिसका फायदा सामने वाले को भी हो और मुझसे भी हो। तो दोस्तों, संस्कार का जहां तक जुड़ाव है वो हमारी परिवार से है, हमारे वंश से, हमारी पीढ़ियों से है। अगर ये संस्कार में है चैलेंजेस को स्वीकार करने की फितरत, माइंड माई वर्ड्स, अगर यह संस्कार में है चैलेंजेस को फेस करने की फितरत, तो वह व्यक्ति अपने जीवन के हर मोड़ पे चैलेंजेस को स्वीकार करता है। यहीं पे मैं मान लेता हूं कि किसी की पीढ़ियों में वो संस्कार वाली बात नहीं है, वो चैलेंजेस को फेस करने वाली फितरत नहीं है। वैसे मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पहले कह देता हूँ। लेकिन मान लीजिए वैसी कोई दौर नहीं थी, वैसा कोई सिचुएशन ही नहीं बना, और बिल्कुल पहली बार जीवन में उसने हालात को, कहते हैं ना कि बिल्कुल प्रतिकूल होते हुए देखा, हालात को अपोजिट होते हुए देखा, तो घबरा सा गया। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम सभी एक टीम वर्क कर रहे हैं और टीम में हमारे एक से एक बेहतरीन संस्कार वाले लोग हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। जी हाँ, और जुड़ने का मतलब है दिल से जुड़ना पड़ेगा उन पूरे अप्लायंस के साथ, पूरे सीनियर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ। दिल से जुड़ेंगे, आपके अंदर भी बेहतर संस्कार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पीढ़ियों से ये संस्कार आते हैं, संस्कार का जो चोला है वो आप ओढ़ सकते हैं, नए तरीके से, नए परिधान में उस संस्कार को आप ला करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, सो नथिंग इज परमानेंट, आप चाह लो तो ये काम हो सकता है। और चूंकि यह एक टीम वर्क है, सारे सीनियर्स यहाँ पे हैं, सारे एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स यहाँ पे, आपका अगर संस्कार उस तरह का नहीं भी रहा है, आपका विगत वैसा नहीं भी रहा है, तो भी आपको इतना पावरफुल और इतना परफेक्ट बना देंगे कि आप अपने जीवन में बेस्ट हो जाएंगे और द फिटेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अक्सर मैं एक बिलीफ सिस्टम की बात करता हूँ, आपको स्वयं के अंदर एक बिलीफ जो है वो पैदा करना पड़ेगा। एक ऐसे बीज को अपने उपजाऊ, अपने दिमाग की उपजाऊ मिट्टी में लगानी पड़ेगी जहां से वह अंकुरित हो और एक पौधा बन सके। तो बिलीव कीजिए दोस्तों, कहते हैं ना बिलीव का मतलब ये होता है, बिलीव को कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। जी हाँ, बिलीव को याद रखिएगा मेरी बात को, सोने के पहले एक बार जरूर रिकॉल कीजिएगा इस स्टेटमेंट को। बिलीव एक ऐसी चीज है जो चाह करके भी हम आपके अंदर उसे, आपके दिमाग में प्रोग्राम नहीं कर सकते। बिलीव जो है आपके तरफ से आनी चाहिए, और अगर ये बिलीफ आती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा बिलीफ अगर नहीं है ना, तो हम भगवान को भी पत्थर मानते हैं, और अगर बिलीफ है तो पत्थर में भी हमें भगवान दिखता है। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? जवाब देते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। सो दोस्तों, इस बिलीफ को पैदा करनी पड़ेगी, और आपकी बिलीफ जो है, आपकी थॉट्स जो है, ये आपके फीलिंग्स को, है ना, आपकी महसूस करने की जो फितरत है, उस फीलिंग में पॉजिटिवनेस लाएगी। जब आपकी पॉजिटिवनेस भरी फीलिंग्स जो है वह आपको बारंबार एहसास दिलाएगी, तो आपका हर स्टेप पॉजिटिव स्टेप होगा। जी हाँ, आपका हर स्टेप के अंदर पावर रहेगा, एनर्जी रहेगा, और पॉजिटिव स्टेप होगा। और जब स्टेप्स जो है पॉजिटिव होती हैं, सही दिशा में, सही समय पे, सही लोगों के साथ, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वह आश्चर्यजनक होंगे, वह बेहतरीन होंगे। और दोस्तों, हम रिजल्ट के लिए तो काम कर रहे हैं, ठीक है, हम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हर काम रिजल्ट के लिए नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूं कि बिना रिजल्ट का कोई काम ही नहीं होता। जी हाँ, बिना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन किए बगैर कोई काम ही नहीं होता। और हमारी रिजल्ट क्या है? हमारी रिजल्ट है हमारी गोल शीट, हमारी ड्रीम फाइल। जी हाँ, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, और उसके लिए इन सफर से होकर के गुजरना पड़ेगा। वंडरफुल वंडरफुल, इसी तरीके से रिएक्शन देते रहिए। सो दोस्तों, याद कीजिए, बिलीफ हमें रखनी है कि हम फिटेस्ट हैं, हम सुपर हिट हैं, हम दी बेस्ट हैं, और वो आपकी फीलिंग्स को बदलेगी, फीलिंग्स आपकी एक्शंस को बदलेगी, और एक्शन ऑब्वियसली एक जबरदस्त रिजल्ट आपको दिलाएंगी। नो पेन नो गेन दुनिया का दस्तूर है, नो पेन नो गेन दुनिया का दस्तूर है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप दर्द लेने से इनकार कर दें तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। एक अगर माँ ये कह दे कि मुझे प्रसव पीड़ा से नहीं गुजरनी है, तो यह कुदरत की रफ्तार थम जाएगी। जी हाँ, यह कुदरत की रफ्तार थम जाएगी अगर माँ
एक एक महिला जो है ये कह दे कि हमें बच्चे को जन्म देने के दौरान जो प्रसव पीड़ा से गुजरना है उसे हम नहीं गुजरेंगे, तो दोस्तों निश्चित तौर पे यह धरती और यह ग्रह जो है लोगों से खाली पड़ जाएगी। तो इस बात का ख्याल करते हुए कुदरत का एक नियम है, नो पेन नो गेन, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, मुफ्त में कोई भी चीज नहीं आती है। सफलता भी पानी है तो उसके लिए आपको कष्ट लेने पड़ेंगे। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आज आपको अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहां का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक थाईलैंड में एक जगह है जिसका नाम है फुकेट, आप सभी गए भी होंगे पिछले 2 साल पहले। वहां पे एक परंपरा है, उस परंपरा के दौरान क्या करते हैं, एक रिचुअल्स है जिसमें उस रिचुअल में भाग लेने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके जुबान में, उनके जीभ में, उनके चीक में सरिया लगा करके आर पार कर दिया जाता है। और दोस्तों हमें एक सुई से चुभन होती है, हम वैक्सीन भी लगवाने जाते हैं तो अपने मतलब शरीर को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे लगता है कि आपके ऊपर किसी टीपू सुल्तान के किसी तलवार ने वार कर दिया हो। हालात कुछ ऐसी हो जाती है। सो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि ये छोटी ये जो सरिया जो आर पार कर दी जाती है और सामने वाले व्यक्ति को दर्द नहीं होता है, उसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम काम करती है। ऐसे कईयों एग्जाम्पल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक सिलसिला है जो साल में एक बार होता है। यह एक गांव है जो कि गोवा में है जिसका नाम है सिरगांव। यह सिरगांव में ऐसी परंपरा है कि लोगों को जलती हुई अंगारे पे चलने का एक माहौल पैदा किया जाता है, एक उत्सव बनाई जाती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह पिक्चर में एक महिला जो है, बल्कि बुजुर्ग महिला है, ठीक है, वह जो है जलती हुई अंगारों पे नंगे पैर चल रही हैं और उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। हमें अगर माचिस की तिल्ली की छोटी सी जलन भी अगर आ जाती है तो हम एक बार कूद जाते हैं 5 फीट। और दोस्तों ऐसी कौन सी बिलीफ सिस्टम है जिसमें यह बुजुर्ग महिला जो है चलती हुई अंगारों पे चल रही है। चरक इन बंगाल, वंडरफुल, वेरी नाइस। ये चरक जैसी एक परंपरा है हमारे बंगाल में भी, वहां पे भी होती है और गोवा के सिरगांव में भी होती है। बहुत थैंक यू आपके इस रिएक्शन के लिए। दैट मीन्स हम सभी बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित बातें कर रहे हैं, काल्पनिक चीजें नहीं है। दोस्तों एक स्थान है अजमेर शरीफ, याद रखिए यहाँ पे मैं किसी भी धर्म और संप्रदाय के अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, आप सारे धर्म के लोग जो है हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं जितने हम, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम समझ सके कि बिलीफ सिस्टम में कौन सी ताकत है। अजमेर की जो दरगाह है उसके आसपास बहुत ऐसे ऐसे मतलब संत होते हैं जो इस तरह की तरीके से जो शार्प एज वाली नाइफ से अपनी आंखों के बॉल्स को बाहर कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये कोई कोई एडिटेड पिक्चर्स नहीं है, ये हकीकत है। ये क्या है दोस्तों, एक छोटी सी, आप कुछ भी नहीं, अपनी उंगलियों को आंखों के पास ले जाइए, आपकी आंखें जो है अनायास बंद हो जाती है। और ये व्यक्ति जो है, ये शख्स जो है, ये संत जो है नुकीली चीजों से अपनी आंखों के बॉल्स को बाहर कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, मैं सिर्फ आपको एहसास दिला रहा हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास करने से और बिलीफ सिस्टम अगर मजबूत हो जाए तो हर परिस्थिति का आप मुकाबला कर सकते हो। ये कोरोना जैसी छोटी सी चीज, ये तुच्छ सी चीज, इसकी औकात नहीं है कि आपके बढ़ती हुई कदमों को रोक सके। यस, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कोरोना जैसी तुच्छ सी चीज, छोटी सी चीज, आपके विश्वास के आगे इसकी कोई औकात नहीं है कि आपके बढ़ते हुए कदमों को रोक सके, टीम में नए नए सफल लोगों को मंच पे आने से रोक सके, आपको अचीवर बनने से रोक सके, आपको चेयरमैन क्लब की जो एलीट प्रीमियम जो कैटेगरीज है उसको क्वालिफाई करने से रोक सके, आपको जो एग्जिस्टिंग जो रनिंग स्कीम है उसको पाने से आपको वंचित कर दे, उसकी औकात नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई एग्जाम्पल, कुछ हमारे रिलीजियस पार्टिसिपेंट हैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज से आते हैं, वो देखिए तजिया के दौरान बिल्कुल धारदार चीजों से अपने शरीर को बेधते हैं, है ना, कष्ट देते हैं, ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी अपनी बिलीफ सिस्टम है, थॉट्स है, लेकिन छोटी सी अगर ब्लेड से अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में कट लग जाती है तो माय डियर फ्रेंड्स शरीर ऐसे ऐसे बिखर जाता है जैसे लगे कि कितनी बड़ी हादसे हो गए, और ये तो अपने शरीर को पूरी की पूरी तरीके से लहूलुहान कर देते हैं। दोस्तों बिलीफ सिस्टम है जो आपके अमेजोन ब्राजील में है ना, परंपरा है, लोगों की धारणाएं है, बिलीफ है, वह मृत शरीर को क्या करते हैं, जला देते हैं, और जली हुई जो राख है उस राख को बनाना में यानी कि केले के साथ वो खाते हैं। उनका ये मानना है कि इससे उनकी जो जीवित कौम है उनके जीवन में खुशियां आएंगी, इससे उनके जीवन में बरकत आएगी, खुश और बेहतरीन जिंदगी वो
जीत सकेंगे। सो दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स आपको मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव जो बिलीफ सिस्टम है उसके क्या फायदे होते हैं, यहीं पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं कि अगर निगेटिव बिलीफ है तो उसके क्या फायदे और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जी हाँ भाई, बिलीफ तो दो चीज की होती है, या तो पॉजिटिव की या निगेटिव की। हम जीतेंगे, एक एक विनर्स वाली बिलीफ आएगी और माहौल बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, और वहीं पे हम हार गए हैं, मैं परास्त हो चुका हूं, तो एक निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगी जो ऑब्वियसली आपको भी परेशानी में रखेगी और सामने वाले को भी परेशान करेगा। तो दोस्तों तरीका क्या है, हम सबों को पॉजिटिव बिलीफ्स जो है स्वयं के ऊपर और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लानी है। निगेटिव कोविड को लेकर के, पेंडेमिक को लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। निगेटिव बिलीफ्स के साथ जो लोग कार्य करते हैं उसकी वजह से उन्हें और आसपास के लोगों को किस तरीके से झेलनी पड़ती है उसका पिक्चर आप देख सकते हो। दोस्तों आपको याद होगा कि 11 सितंबर को एक धमाके हुए थे वर्ल्ड टावर में, ठीक है, ट्रेड टावर में जो धमाके हुए थे वह एक निगेटिव बिलीफ सिस्टम से प्रभावित थे। और वहीं पे मुंबई की ताज होटल्स में जो 26/11 के दौर में जो अटैक हुए थे वो क्या थी, जिसमें आत्मघाती दस्तों ने भाग लिया था। आत्मघाती दस्ते का मतलब ये होता है कि अपने शरीर को स्वयं बॉम्ब से एक्सप्लोड कर दे, शरीर को खत्म कर दे, खुद को मार ले। तो ऐसे बिलीफ्स के साथ कैसी हालात पैदा हो जाती है आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही अनुरोध कर रहा हूं कि हम सबों को पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ चलने हैं। दोस्तों हमें परसेप्शन चेंज करना है, गाय दूध देती है या हमें निकालनी पड़ती, दूसरी जगह मुर्गी अंडे देती है या हमें निकालनी पड़ती है। या आप समझ पा रहे होंगे कि मैं मेरी बातों का आशय क्या है, मतलब ये है कि टीम के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो स्वेच्छा से अपना कार्य जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे होंगे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पीछे लगना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को मैं ना तो गाय बोल रहा हूँ ना मुर्गी बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रकृति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो चेंज द परसेप्शन, जो लोग जैसे हैं उनके मुताबिक काम कीजिए। गाय दूध देती है और हमें दूध निकालने होते हैं, लेकिन अंडे के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो उनकी अपनी कुदरती तरीके से वो अंडे देती है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा और यही चीज लागू होती है हर सिस्टम में, हर प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों साथ ही साथ कुछ रायचंद होते हैं, कुछ ज्ञानचंद होते हैं जो आपके समूह में यानी कि आपके टीम में या फिर टीम के बाहर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको जरूरत से ज्यादा ज्ञान देते हैं। और ये ज्ञान कैसी होती है, ये ज्ञान होती है नॉन प्रोडक्टिव, इसका कोई मतलब नहीं है। खुद फेलियर होते हैं लेकिन आपको चाहेंगे कि आप भी फेल हो जाए, आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपके दिमाग को भ्रमित करने का कोशिश करेंगे, विचार को प्रभावित करने का कोशिश करेंगे। सो चेक कीजिए कि आपके आसपास शकुनी कौन है, आपके आसपास मंत्रा कौन है। जी हाँ, एपिक्स से हमने इन चीजों को उठाया है कि आपके आसपास मंत्रा कौन है और शकुनी कौन है, उसको पहचानिए और अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे और रास्ते में बिना सिग्नल के चलते रहेंगे तो क्या हो सकता है, हादसे हो सकते हैं। और कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये मैं नहीं कहता हूं, रोड के हर माइलस्टोन्स पे लिखे रहते हैं, हर हाईवे पे लिखी हुई होती है। आप सबों ने इस चीज को महसूस किया होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और ये दुर्घटना के ये कारक हैं, ये जो शकुनी और ये जो मंत्रा है, जैसे ही आपने अपने दिमाग के अंदर अपने विचार के अंदर इनको मौका दिया, इनको स्वागत किया कि ये आए और हमारे विचार को बदल करके चल जाए, तो सब कुछ खत्म, सारी कहानी का मतलब ही खत्म हो जाती है। दोस्तों नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये हकीकत है कि ना तो आपकी कुदरती प्रकृति बदलती है और ना ही आपकी सिग्नेचर बदलती है एक समय के बाद। नो वन कैन चेंज द नेचर, ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति प्रकृति को नहीं बदल सकता है, इसलिए निगेटिव प्रकृति वाले लोगों से बचना जरूरी है। मैं ये प्रकृति को आपको दर्शाने का कोशिश कर रहा हूं, जो मक्खी होती है, ठीक है, जो मक्खी होती है गंदी जगहों पे बैठती है, नलियों में बैठती है, डर्ट्स पे बैठती है, ऐसी जगहों पे बैठती है जो आप आंखों से देख ले तो आप खाना नहीं खाए। वहीं पे एक बिरादरी होती है मक्खियों की जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं, ये जब भी बैठती है तो खिलखिलाते हुए हसीन फूलों के ऊपर बैठती है। फर्क है ना जी, दोनों मक्खी की जाति के हैं, लेकिन एक मक्खी जो गंदगी पे बैठती है और दूसरी
फूलों पे बैठते हैं और उन फूलों को हम अपने दिल से लगाते हैं, उन फूलों को हम भगवान के चरणों में डालते हैं। तो दोस्तों फर्क होती है, इसी तरीके का फर्क जो है कुदरत के हर कोने में व्याप्त है। याद रखिए आपकी फोकस जो है वो डगमगानी नहीं चाहिए। अगर किसी स्टूडियो में आपकी फोटो ली जा रही है, आप अपने कैमरे के सामने हैं, अगर वो कैमरा अगर हिल जाता है तो आपकी तस्वीर कितनी अच्छी आती है इसका आपको एहसास होगा। हम तो चाहते हैं कि आपकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर हो, हाई डेफिनेशन की हो, एकदम कहते हैं कि कोई भी अगर आपका पिक्चर देखे तो बिल्कुल घायल हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगे कि सेलिब्रिटीज की जो जो तस्वीरें होती हैं वो फीकी पड़ गई। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में फोकस को जबरदस्त रखें। दोस्तों आप अपनी जिंदगी में चैन कीजिए, डिफिकल्टी में आप पॉसिबिलिटीज ढूंढिए। जी हाँ, जैसे आज का दौर डिफिकल्ट है, पेंडेमिक है, महामारी है, हम सभी परेशान हैं, तो ऐसी माहौल में आप उन लोगों को तलाशिए जिनके बिजनेस, जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस किया था, चरमरा गए, उनको बुलाइए। इस कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड किस सिस्टम के साथ उनको जोड़ दीजिए, बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर बिजनेस करने की लालसा है, लेकिन एक भय है दूसरे इंडस्ट्रीज को लेकर के, जिसमें उन्होंने कईयों करोड़ों रुपए गंवा दिए। लेकिन इस सिस्टम में जो हमेशा हर परिस्थिति में बेहतर करती है, और महामारी के दौर में तो हम मल्टीपल टाइम्स जो है अपनी गति को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें मंच दीजिए। सो डिफिकल्टीज में पॉसिबिलिटीज ढूंढिए, कैनोपीज एक्टिविटीज कीजिए। अक्सर आज सुबह भी, कल से बात हो रही है वीडियो बनाने की, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैं चाहूंगा ये प्रयास डेली बेसिस पे हो। 2 मिनट का सिल्वर प्लस की वीडियो बनानी है, टी शर्ट पहन के बैठिए, अच्छे से जगह पे बैठिए, नई घर पे जगह वैसी लगती है, आप बरगद के पेड़ के नीचे चले चले जाइए, ताड़ के पेड़ के नीचे चले जाइए, आप अपने खिलखिलाते हुए बगान में चले जाइए, चाय पत्तियों के बगान में जाकर के वीडियो बनाइए, मगर यह है कि शांत वातावरण में बनाइए। दोस्तों एक पॉजिटिव वाइब्स जो है क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ एज ए ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट की टीम, क्या आपसे उम्मीद कर सकती है कि हाँ इस तरह के वीडियो हमारे टीम में सबसे ज्यादा आएंगे, कल की सुबह इस तरीके से होगी, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ? जवाब देते रहिए, क्योंकि ये जवाब ही है जो हमारे, वो कहते हैं ना कि गति को बढ़ाती है। दोस्तों प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन की जहां तक बात है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो सक्सेस लेने वाले प्रकृति के लोग होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखते हैं, वहां सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। जहां डर है वहां साहस की बात करते हैं, जहां बुजदिली है वहां जिंदा दिली की बात करते हैं। दोस्तों एक संविधान है जो तलाक 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 कहती है, वहीं पे एक पॉजिटिव थॉट्स है जो कहती है कबूल है कबूल है कबूल है, यस कबूल है कबूल है कबूल है, हर परिस्थिति कबूल है, और हर परिस्थिति को हम बेहतर स्थिति में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, हम सुपर हिट हैं, हम फिटेस्ट प्राणी हैं। दोस्तों फोकस इन आवर लाइफ, हमारे इस जीवन में भी जितने भी लोग होते हैं उनकी अपनी फोकस होती है। एक किसान की फोकस होती है खिलखिलाते हुए जो फसल है, एक एक नाई की फोकस होती है ग्राहक की बढ़ी हुई बाल के ऊपर, एक कपड़े की दुकान पे जो आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी फोकस होती है ग्राहक के कपड़ों के रंग के ऊपर, एक बाज की फोकस होती है उसके शिकार के ऊपर, एक प्रेयसी की फोकस होती है अपने प्रेमिका के ऊपर, ठीक उसी तरीके से एक बिजनेसमैन की फोकस होती है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के ऊपर। दोस्तों पावर ऑफ फोकस क्या है? अगर आपकी फोकस सही रहती है तो आपके पास हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, आप उससे अपनी जरूरत की और अपने इच्छे के बराबर वहां से ताकत आपको मिल ही जाती है। आपने पावर, मैग्नीफाइंग ग्लास के पावर को महसूस किया होगा, किस तरीके से अगर उसको सूर्य की किरणों को फोकस कर दिया जाते हैं तो एनर्जी की इतनी हाई इंटेंसिटी पैदा होती है कि किसी भी चीज को जला सकती है, किसी भी परिस्थिति को कहते हैं ना कि चेंज कर सकती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके फोकस में भी इतनी ही ताकत होनी चाहिए जो हर माहौल को अपने फोकस के रूप में केंद्रित कर दे और उस माहौल से आपको बेहतर स्थिति का फायदा मिल जाए। आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आपके अंदर एक बहुत बड़े एक लीडर उभर रहा है, अपने आप को महसूस कीजिए। मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। एडोल्फ हिटलर जो एक बहुत बड़े नाजी पार्टी के एक ऐतिहासिक जो है लीडर हुआ करते थे, जब वो मंच पे खड़े होकर के बोलते थे तो लोग उन्हें क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ सुनते थे, क्योंकि उनकी बातों में वो प्रभाव था, उनकी बातों में वो ताकत थी कि हर व्यक्ति
सिर्फ उनके कमांड को फॉलो करता था, कोई आर्गुमेंट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे आप सभी से, जिसे मैं एक लीडर मान रहा हूँ, आप सबों के बातों के अंदर वो शिद्दत आ जानी चाहिए, वो पावर आ जानी चाहिए, वो ताकत आ जानी चाहिए सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की। और ये ताकत कैसे आती है? ये ताकत आती है अनुभव से, ये ताकत आती है आपके अच्छे विचारों से, यह ताकत आती है सहयोगिता की भावना से, यह ताकत आती है आपके अचीवमेंट से, यह ताकत आती है आपकी टीम के साथ काम करने की बेहतर प्रवृत्ति के साथ, यह ताकत आती है आपका कॉन्फिडेंस के साथ, यह ताकत आती है ओवरऑल पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ। तो इस तरीके की सोच अगर एक लीडर अख्तियार करे तो दोस्तों उसकी टीम जो है दीवानी हो जाती है और हर परिस्थिति में बेहतर बिजनेस कंट्रीब्यूट करने की प्रयास करती है। नस्ल को पहचाननी जरूरी, हर व्यक्ति की नस्ल अलग होती है, टीम की भी नस्ल अलग हो सकती है। टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो इवन 400 बीपी भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उन्हें हम पैसिव स्लीपिंग सोल्जर्स कहते हैं, पैसिव डिस्ट्रीब्यूटर। उन्हें जगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज नहीं जागेंगे तो लेट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि भाई ऐसी पेंडेमिक में अगर कुछ सप्लीमेंट नहीं खाएं तो तकलीफ में आ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं एक दूसरे से जलते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं एक दूसरे को जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं अवसरवादी होते हैं, ये सारे ही लोग हो सकते हैं आपके टीम में। लेकिन दोस्तों इनको निखारना है, इनके अंदर जो कमियां हैं उन्हें हटा करके अच्छाइयों का समावेश करना है। सो मैं आप सभी लीडर से पूछता हूँ कि क्या इस तरह की स्थिति हर टीम में है, और अगर है तो क्या इस स्थिति को हम कन्वर्ट कर करके एक पॉजिटिवनेस की तरफ उनको ले करके जाने का तैयारी और जाने का साहस रखते हैं? ये सनो में जरूर जवाब दीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बड़े स्तर की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा हूँ। एक कंपनी है, मैं किसी की निगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा, एक कंपनी है जिसको कॉलगेट कहते हैं और एक कंपनी है जिसको पतंजलि कहते हैं। आपको भी पता होगा कि ये जो कॉलगेट है ये एक किस्म से विदेशी कंपनी का कॉन्सेप्ट है। 150 वर्ष से भी ज्यादा ये जो ब्रांड है हमारे समाज में व्याप्त है। वहीं बहुत कम समय में पतंजलि जैसी ब्रांड एक लोकप्रिय ब्रांड के रूप में आई, और उसके पीछे सिर्फ एक ही बात थी, क्योंकि उसने स्वदेशी की भावना पैदा की। दोस्तों हम सभी लकी हैं इस मामले में कि हम जिस संगठन और जिस यूनिट के साथ जुड़े हुए हैं वो 100%, यस 100% वह देशी है, भारतीय कंपनी है। इसीलिए स्वदेशी कंपनी की भावना के साथ आप जुड़िए, लोगों को स्वदेशी कंपनी की भावना के साथ जोड़िए। जी हाँ, यह बहुत बड़ी बात है, प्राउड फीलिंग फैक्टर है कि हम एक इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसको विगत 30 वर्षों से बिजनेस करने का तजुर्बा रहा है, कई अदर सेक्टर में भी काम करती हैं, डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, और हम कहते हैं ना कि ख्याति प्राप्त यूनिट है। और इसको रन करने वाले जो लोग हैं, मैं अगेन उस शख्सियत का, उस मैनेजमेंट का मैं हकीकत में आप सभी की तरफ से अनुरोध करूंगा कि जबरदस्त थम्स अप के साथ, तालियों के साथ, और कमेंट बॉक्स में वो प्राउड फीलिंग फैक्टर्स के साथ यस लिखिए कि हम सभी प्राउड फील करते हैं ऐसे मैनेजमेंट के साथ जिन्होंने इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन भारतीय ओरिजिन की एक कंपनी, एक सिस्टम हम सबों को दिया। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी एक हिस्टोरिकल एग्जांपल आपके बीच में रख रहा हूँ। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप ये महसूस करें, जिसके पास टीम की संख्या कम है, जैसे आज ही मेरे पास एक कॉल आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी टीम की साइज कम है। हमने कहा कि चिंता की बात नहीं, कोई भी गिनती की शुरुआत एक से नहीं होती है, गिनती की शुरुआत जीरो से होती है। जी हाँ, कोई भी गिनती की शुरुआत जीरो से होती है, और अगर आगे बढ़ने का जज्बा है तो वो सफर जारी रहता है और संख्याएं जो है बढ़ने लगती है। तो दोस्तों एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना के बारे में आपसे बता रहा हूँ। चनकौर साहब 1704 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, इन पंजाब चनकौर करके एक जगह है। एक लड़ाई हुई थी बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड कोलेशन फोर्सेस ऑफ मुगल, मुगलों के जो उस समय के तत्कालीन जो वजीर थे उनके बीच में लड़ाई हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, जिसमें 40 सिख, महज 40 सिखों ने मुगलों की 10 लाख सेनाओं को परास्त किया था। उन्हें कहते हैं ना लोहे के चने चबवा दिए थे। तो दोस्तों कभी भी इस बात से आप परास्त नहीं होनी होइएगा, आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए कि हमारी संख्या छोटी है। संख्या को क्वालिटेटिव बनाइए, एक व्यक्ति यानी कि एक लीडर हजारों पे भारी, ऐसी ताकत पैदा कीजिए। और मैं चाहता हूं और मुझे ये विश्वास है कि आपके अंदर वो योग्यता है, वह गुण है, वो कैपेसिटी है कि आप अपने आप में अकेले हजारों के ऊपर भारी है। तो दोस्तों मैं इस चीज का ख्याल करते हुए कि इतिहास के पन्नों में भी
जो संख्या होती है, अगर उस संख्या को हम क्वालिटेटिव मोड में कन्वर्ट कर लें तो हम बहुत बड़ी लड़ाइयों और जंगों को जीत सकते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, 40 लोग और 10 लाख मुगल से सैनिक, उनके साथ लड़ाई हुई और इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ है। तो आपके साथ भी होगा, हर परिस्थिति में होगा। उन्होंने एक एक बड़ी अच्छी सी बात कही थी कि 1.25 लाख से एक तो लड़ावा, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ावा, तवे गोविंद सिंह नाम करावा। ठीक है, उन्होंने उस एक ये दिया था कि मैं 1.25 लाख से एक लड़ावा, मतलब मैं एक व्यक्ति को 1.25 लाख से लड़ाने की क्षमता रखता हूं। और ये क्षमता एक लीडर में भी होनी चाहिए। बात लड़ाई की नहीं है, बात है चैलेंजेस की, बात है क्वालिटी को इम्प्रूव करने से, और छोटी सी चीज को मैं बड़ी सी चीज को सामने पेश करने की मैं हैसियत रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ। इसका मतलब है कि आप छोटी यूनिट हो, आपकी टीम साइज छोटी है, लेकिन बड़ा परफॉर्मेंस करने का जज्बा रखती है। और ये कब हो सकता है? जब आप जो महीने की स्कीम होती है उसे क्वालिफाई करें, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने सिस्टम के साथ जोड़े, हर टीम के अंदर पैसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्टिवेट करने का कोशिश करना चाहिए, तब जाकर के यह चीज संभव हो पाएगी। तो दोस्तों, हमें लीडरशिप को इम्प्रूव करनी है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर सोच ले तो हर मंच पे अपनी अपनी प्रसिद्धि का झंडा गाड़ सकता है। हर मंच पे आप मतलब कामयाब हो सकते हैं, और सिर्फ कामयाब ही नहीं, उत्कृष्ट भी हो सकते हैं, दी बेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि आज का जो मीटिंग है उसका शीर्षक ही है, जो हिट है वही सुपर हिट है, और आप सारे लोग सुपर हिट हो। क्योंकि एक शख्सियत है जिनका नाम है आर्नोल्ड श्रोडिंगर, जो कि कैलिफोर्निया के गवर्नमेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने रेसलिंग में अपने आप को उतारा, रेसलिंग के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को एक ऐतिहासिक रेसलर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने हॉलीवुड की मूवी में, आपने देखा होगा टर्मिनेटर करके एक मूवी आई थी, उसमें उन्होंने रोल किया और उसमें एक बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन तरीके से, वो कहते हैं ना कि वह मूवी जो है उनकी वो ये सामने आई लोगों के पास, लोग उनके दीवाने हो गए। सो हर और यही शख्स है जो कि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है उनके रूप में भी काम किया और बेहतरीन काम किया। सो आप हर प्लेटफॉर्म पे आप बेहतर कर सकते हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, याद कीजिए, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर थे उस समय भी आपने मेहनत किया, अच्छा काम किया। जब आप डायरेक्टर बन गए उस समय में भी, कहते हैं ना, बदलाव आ जाती है, लेवल्स का बदलाव है, आपके साथ टीम की साइज बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो जब आप डायरेक्टर है उस समय पे भी आप अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आपने बुनियादी तरीके से ही अच्छा करने की फितरत और सिलसिले को शुरू किया। जब आप चेयरमैन हैं, हमारे एलीट लेवल्स के होल्डर हैं, अचीवर्स है, उसमें तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, चैलेंजेस और भी बढ़ गए हैं, लेकिन कहते हैं ना, अनुभव भी तो बढ़ गया है। और जब अनुभव बढ़ गया है तो उस अनुभव के हिसाब से ऐसी स्थिति में भी आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ये हम सबों का मानना है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें, इतिहास जो है कुछ ऐसी ही चीजों के साथ जुड़ी हुई है। आप समझते होंगे, आप इस शख्सियत का नाम सुने होंगे, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, पीएम है यूएई के। उनका कहना है, और बल्कि उनकी सोच है, एलर्जी टू एवरेज, वह एवरेज से उनकी एलर्जी है। ठीक वही चीज मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म से, इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। एवरेज परफॉर्मर नहीं चाहिए हमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर चाहिए हमें, दी बेस्ट चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप के अंदर बेस्ट है, लेकिन इसका मूल्यांकन तभी हो सकती है, दुनिया तभी आपको बेस्ट मानती है जब आप बेस्ट करके दिखाते हो। क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, हमारी परफॉर्मेंस जो है यह बताती है कि हम बेस्ट हैं या एवरेज हैं। तो आप बेस्ट हैं या एवरेज है, लिख करके बताइए। सो दोस्तों, अगेन इस शख्सियत के बारे में पता होगा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को, यूएई को कितना बेहतरीन तरीके से उभारा है, और आज पूरे वर्ल्ड में इस यूएई के नाम है, ऐसी सोच की वजह से, और कुछ उनकी ऐसी ही सोच की वजह से दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, अंडर वाटर ब्रिज, दुबई मिरेकल गार्डन, द गोल्ड सुंग, ठीक है, दुबई लैंड्स एंड डिज्नीलैंड जैसी चीजें आज पिक्चर में आई है। तो सोच अच्छी रखिए, मजबूत रखिए, और एवरेज परफॉर्मेंस नहीं करें, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दीजिए, आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिए। कहते हैं ना कि एक स्कूल होते हैं जिसमें लोग एवरेज मार्क्स लाते हैं, पास मार्क्स लाते हैं, और वही स्कूलिंग और एकेडमिक का दौर होता है जहां कुछ बच्चे, कुछ मेरिटेरियस लोग जो है डिस्टिंक्शन से पास होते हैं। तो पूरी की पूरी बैच जो होती है उस एवरेज स्टूडेंट का नाम नहीं याद रखती अपने जीवन में, उस स्टूडेंट का नाम याद रखती है जिसने एक्स्ट्रा मार्क्स लाए थे, जिसने डिस्टिंक्शन लाया था। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन बातों में सच्चाई है, हकीकत है?
याद कीजिए आपने उस एकेडमिक के पुराने दिन, स्कूल में जब आप पढ़ा करते थे, आज भी आपको नाम याद होगा उसी स्टूडेंट्स का जिसने मेरिट के साथ पास किया था, जो फर्स्ट डिवीजन लाया था, जो डिस्टिंक्शन लाया था। रेस सैकड़ों लोग आए थे उस बैच में, लेकिन उसके आपको नाम याद नहीं होंगे। सो दोस्तों, कहते हैं ना, हर मंच पे लोग दी बेस्ट को याद रखते हैं, और हमारी तो कोशिश ही है कि हम इस पूरे यूनिट से, इस पूरे टीम से हर व्यक्ति को दी बेस्ट की श्रेणी में लेकर के आए। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हम सबों के जज्बात के साथ हैं? सो हमेशा याद रखें, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों पे जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों पे जहान होता है। और हकीकत में हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जो शिद्दत के साथ, जो लगन के साथ, और जो कदम से कदम मिला करके एक दूसरे को सहयोग देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका ख्याल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन चीजों का ख्याल करने के लिए मैं पुनः से आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जहां कहीं भी बैठे हैं, अपने हाथों को फ्री कीजिए और आसमान की तरफ, या अपने ईश्वर को ध्यान रखते हुए, अपने अल्लाह को, यीशु मसीह को, किसी को भी, अपने राम जी को, किसी को भी आप स्मरण में लीजिए, और उनसे कहिए कि हमारे अंदर सारी जो है, सारी पॉजिटिव वाइब्स आए, हम कामयाब होंगे, हम बेहतर स्थिति में आएंगे, और अपने टीम से एक से बढ़ के एक धुरंधर फौज निकालेंगे, एक से बढ़ के एक लीडर्स पैदा करेंगे। ऐसा कंसीव कीजिए, दोनों हाथों को उठा करके बोलिए कंसीव, और अपने दाहिने हाथों को अपने दिल के ऊपर रख करके बोलिए कि यस आई बिलीव, मेरा विश्वास भी है, जो मैंने सोचा है उस पर मैं विश्वास भी करता हूं, और दोनों हाथों को उठा करके बोलिए यस आई विल अचीव, यस आई विल अचीव, और कंसीव और बिलीव एंड अचीव की स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? क्या आप सभी तैयार है आगे बढ़ने के लिए? एक एवरेज व्यक्ति को फिटेस्ट के रूप में देखने के लिए, एक एवरेज व्यक्ति को बेस्ट के रूप में देखने के लिए, दोस्तों आज का शीर्षक ही था, जो फिट है वही सुपर हिट है, एंड इफ यू आर फिट, यू आर 100% सुपर फिट। माई डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियोस बनाइए और इस वीडियो को आप प्रमोट कीजिए, हम सभी आपके इस प्रयास में हम आपके साथ हैं। चेक कीजिए प्रतिदिन अपनी पंक्चुअलिटी, कितना समय आप टीम को दे रहे हैं, टीम में कितना समर्पण है आपका, टीम के साथ सिनर्जेटिक एनवायरमेंट है कि नहीं, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, क्योंकि ग्रुप कंफ्लिक्ट होती रहते हैं, और आज की तारीख में हर व्यक्ति थोड़ी बहुत उसकी स्ट्रेस लेवल बढ़ी हुई है, तो उसको शांत करने का कोशिश कीजिए, दूसरों को भी सुनिए। और जब हम मीडिया के सामने आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, तो बेशक हमने कहा है कि सिल्वर प्लस की आप वीडियो बनाइए कैजुअल ड्रेस में, लेकिन थोड़ा बहुत आसपास का वातावरण सही कर लीजिए, आफ्टरऑल ये आपकी ब्रांडिंग, ये आपकी इमेज की बात है। जब हम किसी से बात करें तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल साइलेंट रहे, क्योंकि इट शोज योर डिसिप्लिन, ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, हमें स्मार्ट वे में आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर दिमाग नहीं खुली रहे तो ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे आप हवाई जहाज से किसी परिस्थिति में कूद रहे हैं और आपने क्या किया, पैराशूट तो है लेकिन पैराशूट को ओपन नहीं किया, तो दोस्तों वैसी हालत में क्या हो सकती है, उसका एहसास आपको होगा। इनपुट इन आवर लाइफ, हमेशा अपने टीम के साथ ईमानदारी फीड कीजिए, लगन लगाए रहिए, और बिहेवियर पॉजिटिव रखिए, बिहेवियर सकारात्मक रखिए एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जहां तक की ऑनेस्टी की बात है, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब है कि स्मार्ट होनी चाहिए, हमारे अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाने की मतलब चाहत तो होती है। बचपन में जब आप मटर के दाने छील रहे थे तो आप मटर के सारे दाने कढ़ाई में नहीं डाल रहे थे, कुछ दाने तो आपने मुंह में भी गटक दिया था। मैं यहाँ आपको इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि हमारी फितरत होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक मैच्योर्ड लोग हैं, एक एक एंटरप्रेनर्स हैं, एक टीम है, एक सिस्टम है, तो यहाँ पे ऐसे फितरत से हमें वंचित रहने की जरूरत है। तो ईमानदारी शो कीजिए, वफादारी, लगन रखिए, हम बेहतर कर सकेंगे और बहुत अच्छा कर सकेंगे। सेल्फ कंजम्पन्स, दोस्तों ईमानदारी की जहां तक बात आती है, हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति की लेग पुलिंग नहीं करनी है, और ना ही स्नैचिंग करनी है, बीपी नहीं चुरानी है। कल ही बात हो रही थी, हरीश जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, बीपी जो है ऑन द स्पॉट है ना, आपको दे देनी है, कोई अंडर कटिंग नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिससे कि निगेटिविटी का माहौल पैदा हो हमारी इस टीम के अंदर। कंसिस्टेंट होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, जिंदगी के उतार चढ़ाव के दौरान आपका जज्बा जो है वो कायम रहना चाहिए, आप हमेशा खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे ना, तो मुसीबत भी आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को देख करके सुसाइड कर लेगी। जी हाँ,
मुसीबत भी आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके आत्महत्या कर लेगी अगर आपके चेहरे पे स्माइल है। तो चेक कीजिए अपने आप को कि क्या आपके पास वो स्माइल भरी चेहरे आपको आपके आईने में दिख रहे हैं। चेक कीजिए दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए प्रतिदिन, डेली बेसिस पे 20-25 कॉल कीजिए, ठीक है, मीटिंगें कीजिए, मीटिंग करनी जरूरी है, एक दूसरे के साथ जुड़ना जरूरी है, और एक दूसरे के साथ अगर आप जीते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैक्सीन कितनी काम करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, संगठित रहें, और टीम की मर्यादित तरीके से अगर आप आगे बढ़े आप बहुत अच्छा करेंगे। रिटेल कीजिए, आज जो बात होती है मुझे बहुत खुशी है, बहुत सारे टीम में आज मैं देख रहा हूं बहुत अच्छी टीम एक्टिविटी हो रही है, कैनोपी एक्टिविटी हो रही है, लोग शर्म को त्याग करके कैनोपी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितने बेहतर फायदे हो सकते हैं, बहुत बेहतर फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आप कीजिए, यह कैनोपी एक्टिविटी करनी जरूरी है। कीवा की जो डील्स ऐप है उसको प्रमोट कीजिए, प्रतिदिन 10 लोगों को 10 लोगों के मोबाइल पे इस एप्स को क्या करवाइए, इंस्टॉल करवाइए, और उन्हें यूज करने के लिए भी कहिए, क्योंकि आपको पता है कीवा की एप्स के माध्यम से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ जुड़ सकते हैं, कोई पाबंदियां नहीं है। दोस्तों आपको क्या करना है, हर मीटिंग को प्रमोट करनी है, और वो भी डिसिप्लिन वे में। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को मैं यही समाप्त करूंगा, और बस एक ही बात कहूंगा कि जो भी बात होती है उसे हमें 100% कोशिश करनी चाहिए कि हम धरातल पे लाए, टीम के अंदर जो है उसे इंप्लीमेंट करें। सो याद रखें, कुदरत को जब चुनना होता है और कुदरत के पास जब विकल्प होते हैं तो हम किसका चुनाव करें, तो कुदरत हमेशा दी बेस्ट का चुनाव करती है। जी हाँ, कुदरत हमेशा दी बेस्ट का चुनाव करती है, मगर हालात और परिस्थिति के मुताबिक अगर अपने आप को बेहतर बना लिए, सुपर हिट बना लिए, वन ऑफ द बेस्ट बना लिए, सुपर लीडर बना लिए, तो आज और आने वाले कल में हमारा अस्तित्व कायम रहेगा, हमारा परचम लहराता रहेगा, और हम बेहतरीन तरीके से जीवन में एक सफल जिंदगी के साथ, खुशियों भरी जिंदगी के साथ आगे बढ़ेंगे और टीम के हर लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो इन शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को विराम देंगे, और आप सबों ने अपना जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन है, अभिवादन है, और पुनः से हम कल के तारीख में आप सबों की सेवाओं में हम मौजूद रहेंगे पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, यूं ही ये जज्बा आगे बढ़ने का रखें और जिंदगी में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अब वक्त आ चला है कि इस मीटिंग को विराम करते साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के होस्ट को इस मीटिंग को हैंड ओवर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात यह है कि हमेशा हम कहते हैं कि मीटिंग के दौरान लास्ट में एक ऐसे लकी सिलेक्टेड लीडर्स को मौका दिया जाएगा जिन्हें हमारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनियल को शेयर करने के लिए हम उनको इनवाइट करेंगे। तो यह कार्य आज भी होगा, और इस चीज को करने के लिए हम चलते हैं आज के हमारे होस्ट मिस्टर हरीश ठाकरान जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद कुवा, और ओवर टू यू हरीश जी। जी थैंक यू सत्य सर, और बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, कमाल की जबरदस्त ट्रेनिंग रही है। आपने बहुत शानदार तरीके से बताया कि अगर इंसान का बिलीव सिस्टम स्ट्रोंग हो जाए तो वो क्या कुछ अचीव कर सकता है, और अगर सफलता पानी है, फिट बनना है, हिट बनना है, तो बनना पड़ेगा बेस्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि नो रेस्ट टिल बेस्ट, नो रेस्ट टिल बेस्ट। और इसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कस्टमर लीडर हैं, उनमें कौन कौन हमारे जो उत्पाद ऐसे लोग उसका यूज कर रहे हैं, और इसी सीक्वेंस में मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर हमारे पास ऐसे हैं जिनका वीडियो हमारे पास आ चुका है, जो सिलेबस को यूज कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक लकी जो लीडर्स हैं जिनको आज मौका मिलेगा बात करने का, उनका नाम है, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द लीडर। जो आज के लकी लीडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आज आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, उनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़, राजस्थान से। सुरेंद्र सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर योर स्टोरी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, सभी पार्टिसिपेट का मैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेल्थ केयर सेक्टर में तेजी से उभरता हुआ नाम कीवा इंडस्ट्रीज। ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कीवा इंडस्ट्रीज, जिन्होंने पर्सनल केयर, होम केयर, वेलनेस, ब्यूटी, फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर जैसी कैटेगरीज में 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। इन प्रोडक्ट्स में शामिल है सप्लीमेंट कैप्सूल्स, पाउडर, जूसेस, ड्रॉप्स, हेयर केयर शैम्पू, ऑयल, क्रीम, ओरल केयर प्रोडक्ट्स,
खेती में काम आने वाले उत्पाद, पशुओं के लिए प्रोडक्ट्स और ढेर सारे कई उपयोगी उत्पाद। खास बात ये भी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल यानी आयुर्वेदिक हैं, जिनमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया है। कीवा इंडस्ट्रीज एक वैध कंपनी है जो भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग मानकों का पूरी तरह से पालन करती है। कीवा इंडस्ट्रीज को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे सर्टिफिकेट्स और पुरस्कारों से नवाजा गया है। कीवा इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है। तो आइए आप भी इस भरोसेमंद ब्रांड का हिस्सा बनिए, कीवा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़िए।